इस क्लास में हम क्लासिफिकेशन पोल्ट्री ब्रीड्स देखेंगे। पोल्ट्री में कौन-कौन से ब्रीड्स आती हैं, तो पहले क्या है, ये चार कैटेगरी है। इस कैटेगरी से पहले क्या हुआ था, जब पोल्ट्री के ब्रीड्स की डिस्क्रिप्शन की बारी आई तो कुछ साइंटिस्ट आए जो बोले कि हम ऐसे ऐसे क्लासिफाई करेंगे, जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया बाद में लिखेंगे, ऐसे करके क्लासिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग आए, अपने तरह से क्लासिफिकेशन देने लगे, तो क्या हुआ उसमें पजलिंग होने लगी। तब क्या डिसाइड हुआ कि नहीं भाई तुम लोग का नहीं लेंगे, हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। जहां से उन लोग ओरिजिन हुए हैं, जो पोल्ट्री बर्ड जहां से ओरिजिन हुआ है, जिस एरिया से आता है, उसको अपन एक जगह रखेंगे, तो फिर ये क्लासिफिकेशन को मान्यता मिली, जैसे कि अमेरिकन क्लास हो गया। अब जो पोल्ट्री बर्ड अमेरिकन कंट्रीज के ओरिजिन में आते हैं उनको अपन एक जगह लिखते हैं, जो पोल्ट्री बर्ड मेडिटेरियन क्लास में आएंगे वो एक जगह लिखेंगे, जो इंग्लिश क्लास आएंगे एक जगह और एशियाटिक क्लास में उनको एक जगह। तो पहला क्लासिफिकेशन है अमेरिकन क्लास। अब अमेरिकन क्लास में चार इंपॉर्टेंट पोल्ट्री ब्रीड्स हैं, पहला प्लाइमाउथ रॉक, रोडे आइलैंड रेड, इसको अपन आरआईआर बोलते हैं, वायडोंटे और न्यू हैम्पशायर। अब इसको जब भी पोल्ट्री का या किसी भी अपन ब्रीड्स की बात करेंगे, तो कभी भी ब्रीड्स पढ़िए तो एक इमेजिनेशन रखिए कि जो वर्ड मैं बोल रहा हूं उससे आप एक अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि हाँ ये ऐसा दिखता होगा, तो क्या है उससे चीजें रिलेट हो जाती है, तो चीजें याद करने में आसानी होती है। अब बहुत सारी चीजें, जैसे आप इसको रिलेट कर लीजिए PRWN, इससे कुछ कहानी बना लीजिए, कुछ कहानी से याद कर लीजिए, सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। तो अमेरिकन क्लास में चार ब्रीड हैं, प्लाइमाउथ रॉक, आरआईआर, वायडोंटे, न्यू हैम्पशायर। ठीक, अब मेडिटेरियन क्लास में वही कंट्रीज आएंगी, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, टर्की, ये सब इस क्लास में आएंगी। लेगहॉर्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाइट लेगहॉर्न, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनकोना, मिनॉर्का, ब्लू एंडोलेशियन, मेडिटेरियन क्लास के चार ब्रीड हैं, लेगहॉर्न, एनकोना, मिनॉर्का, ब्लू एंडोलेशियन। इंग्लिश क्लास के मतलब इंग्लैंड फैमिली जो यूके उसके पांच हैं, ऑर्पिंगटन, कॉर्निश सी है, कॉर्निश, ससेक्स, डॉर्किंग, ऑस्ट्रेडॉग, ऑर्पिंगटन, कॉर्निश, ससेक्स, डॉर्किंग, ऑस्ट्रेडॉग, ठीक पांच हैं। अब एशियाटिक क्लास में हम ब्रह्म कोचिन लैंगशन है ना, ब्रह्म कोचिन लैंगशन, BC लैंगशन, ठीक, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब ये चार कैटेगरी हुई, अब अपन एक में देखेंगे, एक में चार, एक में पांच, एक में तीन है। अब अपन थोड़ा थोड़ा एक ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए पहले अमेरिकन क्लास से चालू करते हैं। पहला है प्लाइमाउथ रॉक। अब क्या है, जो चीजें मैं बोलता रहूंगा उसको आप इमेजिन करते जाइए, इमेजिन करेंगे तो एक दिमाग में पिक्चर बैठेगा तो आप उसको याद कर पाएंगे। पहले भी रिपीट करता हूँ, तो जो जो मैं चीजों को समझना है, वर्डिंग्स को समझना है, वर्ड क्या बोलते हैं। पहला प्लाइमाउथ रॉक, इसका प्रोनाउंसिएशन भी प्लाइमाउथ रॉक नहीं होता है, इसको प्लाई मत पढ़ना, इसको माउथ मत पढ़ना, इसको रॉक मत पढ़ना, प्लाइमाउथ, PLIMOTH। इंग्लिश जो है प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, लिखना अलग होता है, प्लाइमाउथ रॉक। लॉन्ग बॉडी ऑफ गुड डेप्थ, मतलब कि थोड़ा सा लंबी बॉडी रहेगी, डेप्थ रहेगा, ब्रॉड प्रोमिनेंट ब्रेस्ट रहेगा, ज्यादा फील मत करना। दूसरा बात, ब्लैक स्पॉट्स रहेगा, शैंक ऑफ फीमेल, जो फीमेल रहेगी, जो शैंक मैं बता चुका हूँ, जो शैंक होता है फीमेल का, उसमें ब्लैक स्पॉट्स रहेंगे। इनका जो प्लंगेज कलर रहता है वो ब्लैक, सिंगल ब्लैक और वाइट में रहता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे ऐसे मार्किंग रहती है ना, ऐसे ऐसे मार्किंग रहेगी कि ये वाइट भी हो सकता है, ब्लैक होता है, अल्टरनेट बैंड्स होते हैं ब्लैक के वाइट के, तो ऐसे आपको समझाए, लॉन्ग बॉडी और गुड डेप्थ, ब्रॉड प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, ब्लैक स्पॉट ऑन शैंक ऑफ फीमेल, जो शैंक पोर्शन है उसमें ब्लैक स्पॉट आएगा फीमेल के, ठीक है। सेकेंड ये समझा कि प्लाइमाउथ रॉक, फोटो भी आपके सामने आई होगी। दूसरा है आरआईआर, रोडे आइलैंड रेड, इसका जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो है रेड आईज, रेड ईयर बोन्स। ये जो है आरआईआर, ये मैक्सिमम रेड कलर के होते हैं, जो फीमेल रहती है वो डार्क रेड होती है, मेल से एक बार जीन होता है, एक बार जीन ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है फीमेल में, तो लोग ज्यादा रेड होते हैं। ये अपन को ऑटोसेक्सिंग में काम आता है, ऑटोसेक्सिंग, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब एक जनरल आप ये समझ लीजिए कि प्लाइमाउथ रॉक जो है उसका मेल का
बॉडी वेट होगा 4.2 kg, फीमेल का बॉडी वेट होगा 3.9 kg। अब ऐसे मत बोलना भाई सर 5 किलो का मुर्गा था वो तो प्लायमाउथ रॉक था, तो एवरेज होता है 4.2, इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, एवरेज बताते हैं, कभी भी पढ़ाते हैं तो एवरेज बताते हैं, मत बोलना 5 किलो का मुर्गा लाया था तो आप तो गलत पढ़ा दिए, नहीं एवरेज है। आरआईआर जो है वो क्लियर हो गया, इसका होता है आरआईआर का होता है 4.1 और इसका होता है 2.9 फीमेल का, 4.1 मेल का होता है 2.9 फीमेल का होता है। वाइडर जो होता है वो थोड़े से छोटे रहते हैं, शॉर्ट बैक, सिल्वर और गोल्ड ग्लेज, मतलब जो उनका प्लमेज कलर है वो या तो सिल्वर में होगा या तो गोल्डन होगा। एवरेज बॉडी साइज सबका एक ही रहेगा क्योंकि लोग एक ही ओरिजिन से हैं, एक ही जगह से हैं, तो वाइडर और न्यू हैम्पशायर चौथा। अब ये थोड़े से लार्ज साइज एग, एग जो इनका लार्ज साइज का रहेगा, गुड मीट क्वालिटी, ये जो है प्लायमाउथ रॉक जो है ये मीट के लिए है, स्पेशली ये मीट के लिए प्लायमाउथ रॉक, इसको लिख लेना कि मीट पर्पस के लिए पाला जाता है। दूसरा आरआईआर जो है वो डुअल पर्पस है, डुअल पर्पस मतलब ऑलराउंडर पे एग भी देगा मीट भी देगा, ठीक है, एडवांटेज जो है ये एग पर्पस है। न्यू हैम्पशायर जो है लार्ज साइज एग, एग साइज भी अच्छा है, गुड क्वालिटी मीट, मतलब ये डुअल पर्पस है, ठीक है। और चेस्टनट प्लमेज, चेस्टनट का होता पता है, चेस्टनट अच्छा घोड़ा जानते हो, घोड़ा घोड़ा नहीं घोड़ी जानते हो, चेस्टनट जो है कलर होता है घोड़े का वो चेस्टनट रेड प्लमेज, इसको प्लमेज में पहले बता दूं जो जनरलाइज बॉडी कलर उसको प्लमेज बोलते हैं, चेस्टनट रेड प्लमेज में आएंगे न्यू हैम्पशायर। सिंगल कॉम रहेंगे, कॉम का भी प्रजाति हो जाता है, ब्रीड जब अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ब्रीड क्या है, सेम बॉडी कंपोजिशन साइज है उसको अपन एक ब्रीड में रखते हैं। वैरायटी क्या होता है, जब ब्रीड के अंदर घुसते हैं ये वैरायटी हो गई, सिंगल कॉम, डबल कॉम, रोज कॉम, ये वैरायटी हो गई। ऐसे याद करना प्लायमाउथ रॉक, आरआईआर, एडवांटे, न्यू हैम्पशायर, ये एग पर्पस है, सॉरी मीट पर्पस है, डुअल पर्पस है, एग पर्पस है, डुअल पर्पस है, ठीक है। एक एवरेज बॉडी वेट याद होना चाहिए मेल का फीमेल का, 4.1, 2.9, 4.2, 3.9, ठीक। अपन को दिमाग में आना चाहिए कि हाँ अपन ऐसे ऐसे पढ़े हैं, ऐसा क्लमेज कलर होता है, व्हाइट और व्हाइट और ब्लैक को मार्किंग होता है, नैरो होता है, जो आर आई आर होते हैं उसमें जो पीछे का हैटल रहता है वो और बड़ा रहेगा, फीमेल का इसमें डार्क ज्यादा डार्क रेड रहेंगे, मेल कम रेड रहेंगे। जनरल चीजें याद होनी चाहिए कि अपन कुछ लिख सकें, एक समझा सकें, बहुत ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे, ठीक है। अब आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं एशियाटिक क्लास मेडिटेरियन के पास, अब हम पढ़ेंगे एशियाटिक क्लास। दीस थ्री आर द वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड ऑफ द एशियाटिक क्लास व्हिच आर वर्चुअली एक्सटिंक्ट, इनको बोला गया है वर्चुअली एक्सटिंक्ट, इसका मतलब क्या होता है, लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे, ठीक है। दीस आर वर्चुअली एक्सटिंक्ट रिकॉग्नाइज्ड बर्ड्स ऑफ द एशियाटिक क्लास ब्रह्म कोचिन एंड लैंगशन, ठीक है। अब पहले पढ़ते हैं ब्रह्म, इस क्लास की खासियत यह है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वेल प्रपोर्शन है, मैसिव है, ज्यादा फेदर्स है शैंक में भी, ठीक है। अपन मैसिव वेल फेदर और वेल प्रपोर्शन बॉडी ब्रह्मा का, ब्रह्मा जो वर्ड आया है वो ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ इंडिया, जो भारत में जो नदी है ब्रह्मपुत्र वैली, उस वहां से ये बर्ड निकल के आई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रह्म, ठीक है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान को पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक। जो मैसिव वेल फेदर्ड बॉडी है, वेल प्रपोर्शन बॉडी है, इसका जो मेल होगा इसका वजन लगभग 5.4 होगा, फीमेल होगी उसका 4.8 होगा। अब ऐसा नहीं कि 5.4 तो 5.4 प्लस माइनस 0.2 भी हो सकता है, 5.6 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, लड़ने मत आना मुझसे, ठीक। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टी कॉन, जो इसका कलंगी होगा वो पी शेप होगा, तो कुशन और स्ट्रॉबेरी शेप को मिलाते हैं तो पी कॉम आता है, तो इसका जो कलंगी होगा ब्रह्मा का वो पी कॉम होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वे, इसको पढ़ लेना। दूसरा है कोची, अब कोची को अपन शंघाई बर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो मिटता भी नहीं है, इसको बोलते हैं शंघाई बर्ड, शंघाई बर्ड की बोलते हैं या शंघाई ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, ऐसा कौन सा ब्रीड है जिसको शंघाई ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बोलते हैं, कोची, आईसीआर का क्वेश्चन, शंघाई ब्रीड कोची। अब ये शंघाई पाया गया चाइना में, इसका नाम शंघाई ब्रीड रख दिए। अब इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर वैसी रहेंगे, है ना, जनरल बॉडी स्ट्रक्चर वैसी रहेंगे,
थोड़ा सा उतार चढ़ाव वेट में हो सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़े कुशन लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द टेल, जो टेल का बेस है उसमें कुशन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें, कोचिंग में। शंघाई ब्रीड है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर बेस ऑफ द टेल है, बॉडी वेट 4.9, मेल का फीमेल का 3.8। एडल्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि चूजा खाली बोले सर 4.9 का नहीं होगा, वैसे साला एडल्ट की बात है। कुशन एट द स्ट्रक्चर बेस ऑफ द टेल 4.9 3.8 शंघाई ब्रीड, ठीक याद हो गया। लैंगशन का ये लैंगशन नाम लैंगशन रीजन ऑफ चाइना, एशियाटिक ब्रीड्स है चाइना में पाए गए, लैंगशन रीजन ऑफ चाइना, ठीक है। लार्ज टेल फैदर्स, जो टेल के फैदर्स होंगे, टेल समझते हैं पूंछ के फैदर्स, वो थोड़े से ज्यादा बड़ा होगा इन दोनों के मुताबिक, है ना। टेल कैरी हाइट मतलब जो टेल होगा वो नीचे नहीं झुकेगा, वो थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ रहेगा। और इसके ब्लैक एंड व्हाइट वैरायटी में आते हैं, इसकी भी वैरायटी है लाइट डार्क और बफ, बफ ब्रह्मा आप कहीं पढ़े होंगे बफ ब्रह्मा, ठीक है। तो लाइट डार्क बफ ये इसकी वैरायटी हो गई, ये ब्रीड है ना बे, इसके अंदर वैरायटी आएगा लाइट डार्क बफ, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट वैरायटी है ये, ठीक है। इसका जो क्लोनेस कलर रहेगा लैंगशन का वो ग्रेश कलर रहेगा, बीक जो रहेगा चोच जो तुम लोग बहुत मारते हैं वो पिंकिश रहेगा, पिंकिश बीक रहेगा, ग्रेश क्लोनेस रहेगा, थोड़ा सा टेल लंबा है, थोड़ा सा टेल उठा हुआ है लैंगशन का, ये याद कर लीजिए। ब्रह्म विष्णु महेश ब्रह्म कोची लैंगशन, बीसी याद कर लीजिए, बीसी मतलब आप जानते हैं लैंगशन, ठीक है। बाकी तो आप होशियार है, ये क्लियर होगा अपने आप करते हैं। ये मेडिटेरियन क्लास है, अब मेडिटेरियन क्लास कहाँ से ओरिजिन है, मेडिटेरियन क्लास का ओरिजिन हुआ है कांग्रेस से, इटली से, वह इटली से कौन है बनाया, मेडिटेरियन क्लास के जितने भी ओरिजिन वाले वर्ड्स हैं सब इटालियन ओरिजिन वाले हैं। इनकी खास बात क्या है, इन सभी वर्ड्स में वाइट ईयर लोब्स होते हैं, ईयर लोब्स वाइट कलर के होते हैं, पहला कैरेक्टर। दूसरा इनका जो कॉम है गल्की वो रिलेटिवली लार्जर होता है बाकी बर्ड्स की, बाकी एरिया के बर्ड्स की तुलना में इनका जो गल्की रहता है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, दूसरा कैरेक्टर। तीसरा इन लोग अर्ली मेच्योरिटी में आते हैं मतलब मेच्योर जल्दी होते हैं, तीसरा कैरेक्टर। चौथा इन नॉन ब्रूडिनेस कैरेक्टर शो करते हैं, अंडे सेकने वाला कैरेक्टर इनके अंदर कम रहता है, ठीक। चार पांच कैरेक्टर हो गए और इनके जो अंडे रहते हैं वो वाइट शेल्ड एग्स ही रहेंगे, वाइट शेल्ड मतलब कि सफेद कवक ही रहेगा, अंडों में जो कवरिंग रहेगी वाइट ही रहेगी। पहला है लेगहॉर्न, पांच कैरेक्टर हो गए जो मेडिटेरियन क्लास में याद रखना। पहला है लेगहॉर्न, लेगहॉर्न भाई राजा है, कॉम्पैक्ट लाइट बॉडी स्मॉल हेड, इसका रोज फॉर्म होगा कल्की या पी कॉम होगा, ठीक है। शैंक लंबे रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा बॉडी रहेगा, हल्का बॉडी रहेगा, सिर थोड़ा छोटा रहेगा, शैंक लंबे रहेंगे, ये दोनों को पाया जाएगा। इनका बॉडी वेट मेल में 2.5 और फीमेल में 2, एडल्ट की बात हुई है, ठीक है। ये मैक्सिमम लेइंग जो बर्ड्स आएंगे वो मेडिटेरियन क्लास में आएंगे, एग लेइंग बर्ड्स ही मेडिटेरियन क्लास में पाए जाते हैं। दूसरा मिनर का, इसको रेड फेस स्पेनिश फाउल बोलते हैं, रेड फेस लाल मुखी स्पेनिश फाउल, क्योंकि एक और ब्रीड है इन्हीं के अंदर आता है जिसको अपन ब्लैक स्पेनिश बोलते हैं, तो उस टाइप का दिखता है उसको अपन रेड फेस स्पेनिश फाउल बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एनकोना, एनकोना एक आइलैंड है, एनकोना जिसे आइलैंड इन इटली इसलिए इसका नाम एनकोना पड़ा। इसका बॉडी कैरेक्टर सिमिलर है 2.52, बॉडी कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, ये ज़्यादा ब्लैक कलर होता है। इसमें वैराइटीज पाई जाती हैं पी कॉम के बेसिस पे, वाइट पी कॉम ऐसा, ब्लैक हो गया, ग्रेइश हो गया, डबल पी कॉम, ऐसे इनमें वैराइटीज आ जाती है, बाकी सिमिलरिटी यही है। बॉडी ये देख लीजिए आप, लेगहॉर्न का बॉडी स्मॉल हेड कंपेयर्ड टू लाइट लाइट बॉडी, रोज कॉम पी कॉम है, इटली की ब्रीड्स हैं, इटली और इटालियन ओरिजिन के। पांच जो मैं कैरेक्टर बताया वो सारे ही चल जाएंगे, क्या क्या, नॉन प्रोटीनस कैरेक्टर, अर्ली मैच्योरिटी कैरेक्टर, वाइट ईयर लोब्स, वाइट शेल एग्स और अर्ली मैच्योरिटी, है ना, नॉन प्रोटीनस और रिलेटिवली लार्ज फॉर्म्स, वाइट शेल एग्स, ये है एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं, अंडे देने वाली ब्रीड्स हैं। एक और बच्चा इंग्लिश क्लास को खत्म करते हैं, क्यों भाई हम ये बच्चा इंग्लिश क्लास को देख लेते हैं। ये वो वर्ड्स आएंगी जो इंग्लिश कंट्रीज, ब्रिटेन कंट्रीज, यूके के अंतर्गत आती थी, वहाँ से ओरिजिन होके आई हैं। पहला है ऑर्पिंगटन, फुल राउंड बॉडी, वेल डेवलप्ड बॉडी, वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट, डीप सीटेड बॉडी, सिंगल कॉम होगा इसमें, ठीक है, फुल राउंड बॉडी, डेवलप्ड ब्रेस्ट, सिंगल कॉम वाले ऑर्पिंगटन कहलाएंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं, जैसे
जो इनका ब्लैक ऑर्पिंगटन है, बफ ऑर्पिंगटन है, व्हाइट ऑर्पिंगटन है, ब्लू ऑर्पिंगटन है, ये चार पांच वैरायटीज हैं इनमें जो ज्यादा प्रचलित हुई, जो ज्यादा पाई गई। ठीक है, इनका जो आइडियल बॉडी वेट है वो 4.5 है मेल का और 3.6 है फीमेल का। 4.5 और 3.6 में लिख देता हूँ तो लोग लिखते नहीं, 4.5 3.6 इसको लिख दिया करो भाई। ठीक है, और फिंगर में दूसरा कॉर्निश हो गया। इसको बेसिकली कॉर्निश इंडियन गेम्स पर्पज के लिए अपन यूज करते थे, कॉर्निश इंडियन गेम्स कहा गया है इसको, असील के साथ मिला के और किसी के साथ मिला के। इसमें भी कुछ कुछ वेराइटीज हैं, इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनमें पी कॉम है, इसमें सिंगल कॉम है, इसमें पी कॉम है कॉर्निश में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अगला है ऑस्ट्रोलॉग। ऑस्ट्रोलॉग ओवरऑल डेवलपमेंट वैसे रहेंगे राउंड बॉडी फ्लैशी डेवलप, मेनली ये जो ब्रीड्स हैं वो मीट पर्पज के लिए पाए जाते हैं, टेबल बर्ड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑस्ट्रोलॉग जो है जो उनका बॉटम वाला पोर्शन है शैंक वाला, वो बॉटम पिंक कलर का है, टोस जो पंजे हैं और जो शैंक वाला पोर्शन वो पिंक कलर का रहेगा, पिंक कलर का रहेगा इसमें ऑस्ट्रोलॉग में। कौन से कलर का? पिंक कलर का। ऑस्ट्रेलिया कौन सी जर्सी पहनती है? पहले येलो पहनती थी, पिंक पहनती थी, ऑस्ट्रोलॉग पिंक कलर का बॉटम पिंक कलर। और इनका जो प्लवेज कलर रहेगा ऑस्ट्रोलॉग का ग्रीनिश रहेगा, ग्रीनिश लस्टरस रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या जाएगा ऑस्ट्रोलॉग से ग्रीनिश कलर का पूरा प्लमेज रहेगा, जो टोज रहेंगे जो पंजे और शाइन रहेंगे वो पिंक कलर के, बीक ब्लैक कलर का है, जो बीक है वो ब्लैक कलर का है। अगला है ससेक्स। ससेक्स टेबल बर्ड है, इसको 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के वासी थे वो इसको डेवलप किए थे और उस समय से इसको खाया जा रहा है। जो बीक शाइन और टोज है हॉर्न कलर के रहेंगे, इनमें भी बहुत सारी प्रजाति है, बहुत सारा इनका वेराइटी है, स्पेक्ल्ड ससेक्स, रेड ससेक्स, लाइट ससेक्स, ये सब इनकी वेराइटीज हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे, टेबल बर्ड्स हैं, 18th सेंचुरी में इनका आविष्कार हुआ, इनको डेवलप किया गया, हॉर्न कलर का बीक शैंक टो है, ये पता होना चाहिए। अगला है बाकी, इसमें भी नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी वैसी है इनकी, जो बॉडी स्ट्रक्चर वैसी है फिजियोलॉजी की, वाइट बाकी इनकी वैरायटी है, ग्रे बाकी इनकी वैरायटी। तो अपन 5 भी कर लिए, ऑफिंगटन कॉर्निश ऑस्ट्रोलॉग ससेक्स बाकी है। इतना अपन को जनरल याद होना चाहिए कि बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट में मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, दिखता कैसा है, हम ये बता पाएं कि हाँ अपन से कोई पूछे कि ऑस्ट्रोलॉग कैसा दिखता है, अपन ये बता पाएं तो भाई उसका प्लमेज कलर ग्रीन लशरस कलर का है, जो टोज है शैंक है वो पिंक कलर का हो सकता है, जो बीक है वो ब्लैक कलर का हो सकता है, बॉडी वेट अपन बता दें वेल डेवलप्ड बॉडी है, बेसिकली फ्लैश पर्पज के लिए मीट पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है ना, अपन ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने अपन इंडियन ब्रीड्स।